पलट जाए बोर्ड तो इसको सीधा भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक। ये फीचर भी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं अरेल कुछ नए एक्सपेरिमेंट के लिए। वो एक्सपेरिमेंट क्या है दीपक बताएगा। दीपक, क्या एक्सपेरिमेंट करने जाने वाले हैं आज हम लोग? हम लोग आरसी बोट चलाने वाले हैं। आज हम लोग आरसी बोट चलाने वाले हैं वहाँ पे नदी में जाकर के। इसका रिव्यू मैंने डाला था अपने चैनल पे, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। अब हम इसे चला के दिखाएंगे आपको कि ये कैसे चलती है, क्या स्पीड है इसकी। चलिए चलते हैं। चलते हैं। हम आपको चला के आज दिखाने वाले हैं आरसी बोट पानी में किस तरह चलती है। वैसे अभी तक मैंने कभी चलाया नहीं इसको पानी में, आज फर्स्ट टाइम पे हम लोग चलाने जा रहे हैं, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेकर के। और दीपक अपना DSLR वगैरह लेके आ रहा है, हालांकि मेरे पास तो DSLR नहीं है, मैं अपना सेलफोन ही यूज़ करता हूँ, लेकिन दीपक के पास DSLR है तो वो DSLR यूज़ करता है। तो जस्ट दीपक और अंकित आ रहे हैं, फिर हम लोग जाने वाले हैं आगे आरसी बोट को चलाने के लिए। आरसी बोट चलाने के लिए हम लोग गंगा नदी में जा रहे हैं, और आप वो देख सकते हो रेत में, यहाँ पर चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। दीपक और अंकित तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं लेकिन काफ़ी पीछे रह गया हूँ, तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी उनको पकड़ने के लिए। फाइनली हम लोग किनारे तो आ चुके हैं, अब हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ पे बोट चलानी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जगह जगह पानी भरा हुआ है, कुछ दिन पहले यहाँ बाढ़ आया था तो पानी जो भरा हुआ है, लेकिन सही जगह नहीं मिल पा रही हम लोग को कि कहाँ पे हमें चलाना है, और मिट्टी भी काफ़ी फिसलन वाली हो गई, तो काफ़ी बच के चलना पड़ रहा हम लोगों को। आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी दूर से हम लोग चल के इधर आए हैं चलाने के लिए। हाँ, बोट काफ़ी दूर से हम लोग चल के आए, पीछे देख सकते हो कि मुझे बहुत दूर दिख रहा है, तो हम लोग काफ़ी दूर से चल के इधर आए हैं बोट चलाने के लिए। ये आरसी बोट है, दीपक इसको चलाने वाला है यहाँ पे पानी में, तो जस्ट अभी ये इसको फिट करेगा और आपको बताएगा इसे कैसे फिट किया जाता है, और फिर ये आगे इसको चलाने वाला है। तो बैटरी इंस्टॉल करते हैं इसमें, तो जस्ट दीपक बताने वाला बैटरी इंस्टॉलेशन के बारे में, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये बैटरी चार्जेबल होती है? हाँ, रिचार्जेबल बैटरी। ये रिचार्जेबल बैटरी है, आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं घर में और उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे कितनी देर तक चलती है बैटरी? चल जाती है ठीक ठाक, दो तीन राइड आप इससे आराम से कर सकते हो। ये इसका रिमोट हो गया, अब बोट में बैटरी फिट होगी। बोट में बैटरी लगती है? हाँ, ये है बैटरी। अच्छा, बोट में बैटरी ऑलरेडी लगी हुई है, तो रिमूवेबल नहीं है ना? रिमूवेबल है, चार्ज है वो पहले से। अच्छा, ऑलरेडी चार्ज है।
DSLR ही निकालते हैं डायरेक्ट। स्टार्ट कर रहा हूँ। पलट जाए बहुत तो उसको सीधा भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक। ये फीचर भी है बढ़ाओ सब बढ़ा दो अपना शॉर्ट बढ़ा दो बैटरी खत्म। बैटरी फिलहाल खत्म हो गई है तो हम लोग उसको वापस लाने के बारे में सोच रहे हैं किस तरीके से उसको वापस लाना, क्योंकि वहाँ पे पानी काफ़ी नीला दिख रहा है तो हमारा अंदाजा है वहाँ पानी काफ़ी गहरा भी हो सकता है, तो कुछना सही रहेगा या नहीं रहेगा उसको डिस्कस करना है, लेकिन फिलहाल हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे हमें लेके आना है उसको, तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में कि हमें कैसे लेके आना है। निकालने वाले हैं और देखते हैं निकल आएगा। अंकित जा रहा है बोट को लेके आने के लिए और हो गया बाद
तो आज का ये बोटिंग एक्सपीरियंस हम लोग का काफ़ी अच्छा रहा। दीपक का भी टेक चैनल है यूट्यूब पे, दीपक किस नाम से चैनल है तुम्हारा? टेक्सटॉय इंडिया। टेक्सटॉय इंडिया के नाम से चैनल है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से इसके चैनल को देख सकते हैं और इनकी वीडियोज़ को आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो जस्ट आज के वीडियो में हम लोगों ने बोट के बारे में दिखाया और अभी घूमने गए थे वहाँ पे, वहाँ घूमने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हम दीपक और साथ में साथ में दीपक और कुछ बोलोगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। जस्ट एक्सपीरियंस हम लोग का बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और आज काफ़ी दिन के बाद मैं घूमने निकला, आपने भी देखा होगा, करीब एक हफ्ते होगा मेरी कोई नई वीडियो भी नहीं आई है, तो जस्ट एक हफ्ते बाद ही मेरी कोई वीडियो है। कोशिश करूँगा कि आज के बाद फिर हर दूसरे दिन एक वीडियो डाल सकूँ और कोशिश करूँगा कंटिन्यू मेरी वीडियो बनती रहे। अभी तीन चार दिन का गैप हो गया क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, तो इसलिए मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया था। तो आज का ये बोटिंग एक्सपीरियंस हम लोग का काफ़ी अच्छा रहा। दीपक का भी टेक चैनल है यूट्यूब पे, दीपक किस नाम से चैनल है तुम्हारा? टेक्सटॉय इंडिया। टेक्सटॉय इंडिया के नाम से चैनल है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से इसके चैनल को देख सकते हैं और इनकी वीडियोज़ को आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो जस्ट आज के वीडियो में हम लोगों ने बोट के बारे में दिखाया और अभी घूमने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ घूमने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हम दीपक और साथ में अंकित पीछे बताऊँगा, अंकित अंकित साथ में दीपक और कुछ बोलोगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। जस्ट एक्सपीरियंस हम लोग का बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और आज काफ़ी दिन के बाद मैं घूमने निकला, आपने भी देखा होगा, करीब एक हफ्ते होगा मेरी कोई नई वीडियो भी नहीं आई है, तो जब एक हफ्ते बाद भी मेरी कोई वीडियो है, कोशिश करूँगा कि आज के बाद फिर हर दूसरे दिन एक वीडियो डाल सकूँ और कोशिश करूँगा कंटिन्यू मेरी वीडियो बनती रहे। तो अभी तीन चार दिन का गैप हो गया क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, तो इसलिए मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया था। वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो को और अधिक क्लियर तरीके से देखना है तो दीपक के चैनल पर जाए, क्योंकि वो भी ये वीडियो डालेगा। और मैंने अपने मोबाइल से शूट किया है लेकिन उसने DSLR से शूट किया है, तो मुझे उम्मीद है वहाँ पर आपको और अच्छी क्वालिटी में यही वीडियो मिल जाएगा। हालाँकि मैंने भी मेरे फ़ोन पर यूज़ किया है तो वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा और अच्छी तरह से आप देख पाओगे वीडियो को, तो आपके चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, कम से कम एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और अच्छी वीडियो हम बनाने की कोशिश करते हैं।